मंच पर बैठे हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड साथियों, और आप देख रहे हैं कि एक ये क्लाइडोस्कोप है जिसमें अनेक तरह के चेहरे हैं, सबका आप नाम जानते हैं, सबका बैकग्राउंड जानते हैं, इसलिए उसको बताने में मैं समय नहीं खोना चाहता हूं। और मेरे सामने बैठे हमारे देश के 125 देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, 600 करोड़ हो गए। अभी आपने हमारे साथियों की तकरीर को सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर यहाँ सामने आई हैं, और हम सब यहाँ से एक नए एनर्जी के साथ जाएंगे। और हमारे राजनीतिक दलों के जो साथी यहाँ मौजूद हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने नेताओं तक आज जो यहाँ पर मुंबई में बातचीत हो रही है उसको पहुँचाएंगे। और कहीं अगर किसी के मन में कोई शक है, कोई दुविधा है, तो मुझे लगता है कि अरुण जी, अरुण शौरी जी की बात उन तक पहुंचेगी तो वो शक और संदेह उनके मन से दूर हो जाएगा। इसका पूरा आज सब कुछ खतरे में है। हम लोग तरह तरह की बातें यहां कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, लेकिन आप देखिए ना, इस देश में सरकार चलाने के लिए एक कैबिनेट है, और हम सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश परंपरा है जिसको हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स है। सारे मंत्री बराबर हैं मंत्रिपरिषद के, और प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स है। आज क्या स्थिति हो गई है? आज स्थिति ये हो गई है, दूसरे नंबर पर जो हमारे देश के होम मिनिस्टर बैठते हैं, कैबिनेट के नंबर टू वही हैं। जम्मू और कश्मीर में महबूबा की सरकार से भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले रही है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। और जानकार लोग हमें ये बताते हैं कि टेलीविजन वो अपने ऑफिस में देख रहे थे बैठकर, तब उनको पता चला, करे ऐसी बात हो गई। और उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि जल्दी जल्दी सब कुछ समेटो यहां से और भागो, घर चलो, वहां ज्यादा पहरा है, वहां मीडिया हम तक नहीं पहुंचेगी। तो देश के गृह मंत्री को यह नहीं पता है कि जम्मू और कश्मीर में यह डेवलपमेंट होने वाला है। उनको जो 2015 में नागा फ्रेमवर्क अकॉर्ड हुआ उसकी भी जानकारी नहीं थी। और एक पत्रकार ने हमसे कहा कि 5 बजे प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, सब्जेक्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया, यही था कि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे। तो वो रास्ते में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो गृह मंत्री मिल गए, तो उसने पूछा कि सर क्या घोषणा होने वाली है? तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट घोषणा होगी। अब बताइए, नागा अकॉर्ड का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसकी घोषणा हो रही है और गृह मंत्री को पता नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, वित्त मंत्री को पता नहीं है। रफाल डील हो रहा है, रक्षा मंत्री को पता नहीं है। वो एक फिश मार्केट गोवा में उसका उद्घाटन कर रहे थे जब ये घोषणा हुई कि एक नया रफाल डील हो रहा है। अरुण शौरी जी ने और हमने और एक हमारे साथी हैं प्रशांत भूषण जी, बहुत जाने माने इस देश के वकील हैं,
हमने अभी मिलकर तीनों ने एक पत्रकार सम्मेलन किया दिल्ली में, जिसमें वो सारी बातें हम लोगों ने लिखी, 50 पेज का डॉक्यूमेंट बनाकर हम लोगों ने दिया। 35,000 करोड़ का घपला हुआ है रफाल डील में, 35,000 करोड़। और मैं चाहता हूं कि ये जो क्रांतिकारी ऊर्जावान धरती है मुंबई की, उसके लोग इस बात को समझें कि बोफर्स कितना था, 64 करोड़, और ये है 35,000 करोड़ का घपला। इसके बारे में क्या हम लोग शत्रुघ्न जी क्या रह जाएंगे, खामोश नहीं रह सकते। कैबिनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री है, विदेश मंत्री, उनके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि ट्विटर मंत्री बन गई है, तो बहुत नाराज हुई, लेकिन उनको विदेश नीति में क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अब मंत्रालय चलाना है तो बेचारी ट्वीट करके मंत्रालय चलाती हैं। ये जैसे यहां मेमन साहब कह रहे थे ना कि 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 2, 3, 4, 5, उसी तरह कैबिनेट में ये है 2, 3, 4, 5, कहने को इस नंबर पर उनका स्थान है, जानकारी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रहे हैं, सारे मंत्रालय। मंत्रियों का क्या काम, यही है फेमस गुजरात मॉडल, यही है फेमस गुजरात मॉडल। और मैंने उस दिन पत्रकार सम्मेलन में इस बात को कहा कि बीसी रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, बहुत थाकड़ नेता थे, आपको याद होगा। तो एक आदमी को उन्होंने मंत्री बना दिया, तो कुछ दिन के बाद वो मंत्री उनके पास गया, उसने कहा कि सर हमारे मंत्रालय में कोई काम ही नहीं हमको मिलता है, हमको कुछ काम चाहिए। तो बीसी रॉय ने उससे कहा, बंगला में कहा, जो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, शायद दिनेश जी उसको पूरा करेंगे, कि मैंने तुमको मंत्री बनाया, मैंने तुमको गाड़ी दी, मैंने तुमको बंगला दिया, मैंने तुमको प्यून दिया, उसके ऊपर से काम भी मांग रहे हो। हम ही तुम्हार के बांगला दे। आज हमारे मंत्रियों का वही हाल है, किसी के पास कोई काम नहीं है। अगर कहता है कि बहुत बिजी हैं, तो आप समझ लीजिए कि झूठ बोल रहा है, कोई काम नहीं, क्योंकि सब काम एक ही जगह से हो रहा है। हिम्मत भी नहीं है कि जाके कहे कि काम नहीं है, हमें काम दो। तो ये तो आलम है आज। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आज हुई है, जिसके लिए मैं सारे वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और वो ये है कि इन्होंने कहा कि डर का वातावरण है। जैसे शिवसेना ने कहा जजेस डरे हुए हैं, जो लोग वकील हैं वो डरे हुए हैं, पत्रकार डरे हुए हैं, सांसद डरे हुए हैं, आम आदमी डरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस हॉल में इस शाम की मीटिंग को समाप्त करके हम में से जब एक एक घर लौटेगा, तो हम निडर होकर घर लौटेंगे। और यही मैं चाहता हूं कि अगर एक ही काम हम लोग कर लेना, तो जितना प्रयास हम कर रहे हैं उस पूरे ग्रुप में, उसमें हमें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि हम अपने मन से डर निकाल देंगे। आज के बाद कोई भी डरेगा नहीं, और उसके लिए जो कुछ करना होगा हम करने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। और इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रमंच का निर्माण किया, जिस कोई जिसके
कोई भी हमारा सदस्य इसमें ये नहीं कहता है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको मंत्री बनना है, हमको संतरी बनना है। हम लोग सिर्फ एक मकसद, एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि देश के सामने आज जो एक संकट आ गया है, एक जो आफत आ गई है, उससे हम देश को कैसे उभारें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मुंबई में इस ऐतिहासिक धरती से एक शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत हमें मंजिल तक ले जाएगी और हम जरूर जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।